प्लॉट है, 50 गज का है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉर्नर का प्लॉट है, ऑलरेडी दो दुकानें बनी हुई हैं, तो देख लीजिए 25 फुट के चौड़े रोड पे दो दुकानों का प्लॉट, साथ में कॉर्नर भी। यहाँ पे ये TPDDL का, टाटा पावर का जो है कि यहाँ पे मीटर भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको पूरी मिल जाएगी। देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल्स के जो है कि रोड बने हुए हैं, ठीक है, और गली भी बनी हुई है। ये इसका गेट है, ओपन एरिया है, ठीक है, खुला हुआ है। अंदर से देखना चाहेंगे तो मैं अंदर से भी आपको दिखा दूंगा। तो ये साइड का जो पार्ट है ना, इसमें आप देख लो पूरी आबादी बसी हुई है, पूरा की पूरा जो है कि एरिया घना बसा हुआ है और साफ सुथरा। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा प्लॉट जिसमें ऑलरेडी दो दुकानें बनी हुई हैं और इसके साथ ही आप जो है दुकानों को खोल के अपना काम भी कर सकते हैं पहले दिन से। वो भी देखिए ये दो दुकानें हैं और ये जो रोड है, रोड भी काफ़ी चौड़ा है, कमर्शियल प्लॉट भी है, इसके सामने भी अगर आप देखोगे तो लाइन से दुकानें बनी हुई हैं और ये जो प्लॉट है इसमें दो दुकानें ऑलरेडी बनी हुई हैं और साथ में कि ये कॉर्नर का प्लॉट भी है। तो कैसे ये प्लॉट आप परचेज कर सकते हैं और क्या इस प्लॉट में खूबी है, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज इस प्लॉट के बारे में डिटेल में नॉलेज लेते हैं, आई वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो प्लॉट है 50 गज का है, कॉर्नर का प्लॉट है और कमर्शियल रोड पे है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूंगा तो अभी मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक जो है प्लॉट का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देख सकते हैं कि कमर्शियल रोड है और आपको यहाँ पे आसपास दुकानें बनी हुई दिखाई दे रही होंगी और इन्हीं दुकानों से लगती हुई ये आपकी दुकान रहेगी। और आप देखने को चाहें तो देखिए ये भी एक किराने की दुकान चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा प्लॉट है जो कि कोने का है, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ तब आपको दिखाई देगा। देखिए 15 फुट की गली है, फुल बसावट है, मतलब ऐसा भी नहीं कि एक आध दो घर बने हैं, पूरे के पूरे घर बने पड़े हैं और सभी में लोग रह रहे हैं प्रॉपर। इसके साथ ही 25 फुट का कमर्शियल रोड है और गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। तो देख लीजिए 25 फुट के चौड़े रोड पे दो दुकानों का प्लॉट, साथ में कॉर्नर भी, यानी कि बिल्कुल ही बेस्ट लोकेशन है इस प्लॉट की, रहने के दृष्टिकोण से भी और उसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कमर्शियल स्पेस के दृष्टिकोण से भी। आप देख सकते हैं कि पूरी आबादी है, सिर्फ इधर ही नहीं, आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक पूरी फुल आबादी बसी हुई है। और यही कारण है कि ये प्लॉट काफ़ी डिमांड रखने वाला है, क्योंकि भाई बहुत से हमारे भाई बंधु कहते हैं भाई कोने का प्लॉट दिखाओ, ठीक है, दुकान बन जाए, नीचे मकान बन, ऊपर मकान बन जाए, नीचे दुकान बन जाए, तो उन सारी चीज़ों को ये प्लॉट पूरा करता है। और अब आप ये शिकायत ना करें कि भाई कोई बढ़िया चीज़ लेके नहीं आया हो, अब इससे बढ़िया प्लॉट तो मेरे हिसाब से नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की, कि प्लॉट की लोकेशन क्या है, आखिर हम हैं कहाँ पर। तो हम हैं दिल्ली में और दिल्ली में भी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर आपको आबादी पूरी भरी मिलेगी और कॉलोनी भी पास है। अगर आप DDA में इसकी जानकारी निकालेंगे तो ये कॉलोनी पास है और यहाँ पर पक्की रजिस्ट्री भी शुरू हो गई है। तो आज का ये जो प्लॉट है 50 गज का है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉर्नर का प्लॉट है, ऑलरेडी दो दुकानें बनी हुई हैं, पीछे की तरफ एरिया खाली है, पीछे की तरफ जो है कि अभी स्पेस छोड़ा हुआ है, सिर्फ आगे दुकानों का जो है कि स्पेस कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी, और पीछे जो है कि आपका ओपन स्पेस है, उसमें आप कुछ भी करना चाहें, कुछ बनाना चाहें या फिर वैसे भी कोई अपना स्टोर बनाना चाहें तो आपका सारा काम एक साथ हो जाएगा। तो बात करते हैं लोकेशन की, हम खड़े हैं प्रवेश नगर भाग्य विहार के बिल्कुल एडजेसेंट में, यानी भाग्य विहार जो हम आपको नॉर्मली सारे प्लॉट दिखाते हैं वहां से मात्र चंद कदमों की दूरी पर प्रवेश नगर में, और वो भी प्रवेश नगर के मेन रोड पर। तो यही चीज़ जो है कि इसको बहुत ही उम्दा किस्म का प्लॉट बनाती है, क्योंकि मेन रोड पर है, आबादी के बीचों बीच है, दुकानें ऑलरेडी चल रही हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कि भाई आप जानते हैं कि देखिए एक तो खाली प्लॉट लेना और एक जो है कि बना बनाया प्लॉट लेना और साथ में दुकानों का ऑलरेडी बना होना, और यही नहीं अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए मीटर भी लगा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि खाली दुकान बना के छोड़ दी है, ऐसा भी नहीं है, देख सकते हैं आप मीटर भी लगा हुआ है। और ये जो है कि आपका यहाँ से आप रियर व्यू देख लीजिए, यहाँ पे ये TPDDL का, टाटा पावर का जो है कि यहाँ पे मीटर भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको पूरी मिल जाएगी। और आप देखना चाहें तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये इसका गेट है, ओपन एरिया है, ठीक है, खुला हुआ है, अंदर से देखना चाहेंगे तो मैं अंदर से भी आपको दिखा दूंगा। तो
तो ये साइड का जो पार्ट है ना, इसमें आप देख लो पूरी आबादी बसी हुई है, पूरा की पूरा जो है कि एरिया घना बसा हुआ है और साफ सुथरा शांत माहौल है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई धूमधड़ाम हो रही है, बच्चे सिंपल खेल रहे हैं, बच्चों के लिए जगह है, ठीक है। तो गली भी अच्छी है, लोग रह रहे हैं, शांत माहौल है, साथ में कॉर्नर का प्लॉट है, तो क्या कहने। और ये देखिए गेट भी लगा हुआ है, गेटेड सोसाइटी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये सरकारी खर्चे से लगे हुए हैं, ऐसा नहीं किसी ने प्राइवेट लगवाया है, विधायक फंड से ये सारे गेट। अगर दोस्तों बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, कनेक्टिविटी की, तो बहुत ही वेल कनेक्टेड है DTC की बस सर्विसेज से भी, और इसके साथ साथ मेट्रो से भी। DTC की जो बस सर्विस है, यहाँ से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर रानीखेड़ा बस स्टैंड पड़ता है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल यहाँ पे दुनिया भर के हैं, प्राइवेट दुनिया भर के हैं। गवर्नमेंट के लिए जैसा मैं आपको बताता रहता हूँ, रानीखेड़ा गांव के बाहर आपको 12वीं तक का स्कूल मिल जाएगा, और मुबारकपुर गांव के बाहर भी, यानी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से आप इक्वल डिस्टेंस पे, चाहे आप ईस्ट में चलिए चाहे वेस्ट में चलिए, आपको तीन गवर्नमेंट स्कूल मिल जाएंगे, वो भी 12वीं तक के। इसके अलावा DTC की सर्विस है ही कनेक्टिविटी के लिए। मेट्रो स्टेशन अगर आपको जाना है तो मात्र 10 मिनट की दूरी पर मेट्रो स्टेशन है, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, मुंडका मेट्रो स्टेशन, यानी कि जो हमारा सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो मुंडका पड़ता है। हालांकि यहाँ से आप नागली मेट्रो स्टेशन भी जा सकते हैं, लेकिन वो पड़ेगा लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर, और जो मुंडका मेट्रो स्टेशन है वो है मात्र और मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, या मैक्सिमम मान लीजिए यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो दोस्तों देखिए, ये तो बात हो गई कनेक्टिविटी की, ट्रांसपोर्टेशन की, अब बात करेंगे कि फैसिलिटीज़ क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल्स के जो है कि रोड बने हुए हैं, ठीक है, और गली भी बनी हुई है। हाँ, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि भाई शीवर का काम जो है पूरी कॉलोनी में हो रहा है, तो यहाँ भी हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस फर्क इतना है कि इस गली में अभी काम नहीं छिड़ा है, जिसकी वजह से जो है कि अभी यहाँ टूट फूट नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द अगर मतलब इसमें भी काम छिड़ता है तो वही स्थिति होने वाली है जो भाग्य विहार में है, ठीक है ना, कि सारी गलियां टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, हर जगह कचरा है, पानी इकट्ठा है, वाटर लॉगिंग हो रखी है। अभी यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है, और जब भी सारा काम हो जाएगा ना, सीवर का और नाली का ड्रेनेज सिस्टम जब सारी क्लियर हो जाएंगी, तो यकीन मानिए कि फिर ये जो लोकेशन है ना, ये सारी आपकी बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो जाएंगी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में आप, हालांकि जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था लगभग 2.5-3 साल से, आप देख रहे हैं कि जो प्राइस है, मैं खुद वीडियो में आपको बताता हूँ, जब नई वीडियो बनाता हूँ तो आप खुद ही देखते हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं जो 3 साल पहले थे और जो आज हैं। ठीक वैसे ही आज से साल भर बाद जब सारी सुविधाएं डेवलप हो जाएंगी, तब शायद कुछ और सिनेरियो होगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि कोई काम शुरू नहीं है सीवर का, इसलिए यहाँ पे गली रोड नाली सब साफ सुथरी है, और यही कारण है कि अभी आप अगर कुछ बनाना भी चाहें ना, अपना घर द्वार दुकान मकान सब बन सकता है बहुत ही आसानी से। तो ये तो बात होगी आपकी सुविधाओं की, कि भाई रोड नाली बनी हुई है, वाटर लॉगिंग कहीं नहीं, आप देख सकते हो, जैसे कि भागी बिहार में हर जगह पानी जमा है, यहाँ पर आप देख लो पानी जमा नहीं है। और भागी बिहार में अगर पानी भी जमा है तो इसलिए नहीं है कि मतलब वहाँ पे गंदगी है या फिर मतलब ऐसे ही अव्यवस्था फैली हुई है, इसलिए है क्योंकि सीवर का काम चल रहा है और सारी रोड नाली गलियाँ खुद ही पड़ी हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म है। लोगों को परेशानियाँ तो हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा वो ज़्यादा बेहतर जो है कि आपको डेवलप दिखाई देगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं इस प्लॉट की। तो मैंने आपको सुविधाएं बता दी, मैंने आपको लोकेशन बता दी, मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बता दी, और एजुकेशन बता दिया। हॉस्पिटल हेल्थ केयर की बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पर। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्राइस पर चलेंगे और आपको पेपर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं पेपर्स की, तो पेपर्स अभी प्योरली GPA है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगी आपको। और अगर आप रजिस्ट्री कराना चाहें, क्योंकि इस पर मीटर लग रहा है पहले का, तो इस पर आपकी रजिस्ट्री भी बहुत जल्दी हो जाएगी। जल्दी का मतलब ये कि ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। 2019 से पहले का मीटर है, सब कुछ है, कंस्ट्रक्शन है, सब मतलब बना हुआ दिख रहा है, तो आपकी रजिस्ट्री बहुत जल्द हो जाएगी और कम पैसे में हो जाएगी, ठीक है। तो GPA पेपर है, अभी कोई लोन की सुविधा नहीं है फिलहाल में, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें आपके सामने हैं, क्लियर हैं, तो आने वाले टाइम में भी आपको अगर कुछ करवाना हो, रजिस्ट्री पक्की करवानी हो, तो बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनली प्राइस की, और प्राइस का रखा गया इस प्लॉट का। तो देखिए, हालांकि ये 50 गज का प्लॉट है, कॉर्नर का है, लेकिन फिर भी हमने भाइयों का ख्याल रखते हुए मैं आपको बता दूँ कि जिसका बजट कम हो, यानी जिनका कम बजट है, उनके लिए भी एक ऑप्शन रखा है। वो ये कि अगर सिंगल साइड का आप लेना चाहें, यानी कि उस तरफ का, एक तो कॉर्नर का हो जाएगा अगर दो प्लॉट काटेंगे 25-25 गज के, तो और एक हो जाएगा आपका सिंगल साइड का। तो अगर आप 50 गज का पूरा लेना चाहते हैं,
तो पूरा लीजिए, और अगर आधा लेना चाहते हैं तो आपको पहले मिलेगा जी सिंगल साइड का, पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सिंगल साइड का मिलेगा पहले आपको। और सिंगल साइड का जो प्राइस रखा गया है मात्र 10 लाख रुपए, मात्र 10 लाख रुपए में आपको जो है कि सिंगल साइड का कमर्शियल 25 गज का 9x25 का साइज मिल जाएगा। और अगर आप 50 गज लेते हैं तो फिर क्या कहने, तब तो आपको पूरा जो है कि 18 फुट का जो फ्रंट है ये पूरा ही फ्रंट मिलेगा। आप देख सकते हैं कि भाई मैं आपको अगर बिल्कुल फ्रंट से दिखाऊं तो मेरे कैमरे में भी शायद पूरा फ्रंट नहीं आएगा, मैंने थोड़ा छोटा कर रखा है तो आ रहा है। देखिए ये जो है कि यहाँ से यहाँ तक 18 फुट का फ्रंट है, और 18 फुट का फ्रंट का मतलब ये है कि आप कोई भी अगर मैप बनाएंगे ना, कोई भी आर्किटेक्चर डिजाइन बनाएगा तो इसमें फिट बैठ जाएगा, क्योंकि फ्रंट तो ज़्यादा है ही और साथ में आपका कॉर्नर भी तो है, साइड की गली भी तो है। तो इसीलिए ये प्लॉट आपकी शायद किस्मत बदल दे। क्यों? एक और कारण है, वो कारण क्या है, अगर आप मानते हो वास्तु को तो मैं आपको बता दूं कि एक दिशा इसकी वेस्ट पड़ रही है, दूसरी दिशा इसकी पड़ रही है नॉर्थ। तो इसीलिए जो है कि नॉर्थ और वेस्ट दोनों ही डायरेक्शन, व्यापार के हिसाब से वेस्ट और धन के हिसाब से नॉर्थ, ये दोनों ही डायरेक्शन जो है वास्तु के अनुसार बहुत ही अनुकूल मानी जाती है। और निश्चित रूप से अगर आप मध्य में द्वार देंगे तो आपको जो है कि धन की कभी हानि नहीं होगी। आप यकीन मानिए, आप प्लॉट में लेने के लिए आपके पास भले पूरे पैसे ना हो, अगर कुछ कम भी होंगे ना, आप बैना करेंगे और आप यकीन मानिए कि आप देखेंगे खुद कि आपके पैसे खुद ब खुद कहीं ना कहीं से जुड़ते जाएंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई हो, लेकिन आप यकीन मानिए कि डायरेक्शन वाइज भी वास्तु के अनुसार भी अनुकूल है, शायद ये प्लॉट आपकी किस्मत बदल दे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक मिनट रुकते हैं पहले, क्योंकि मैंने आपको 50 गज का प्राइस नहीं बताया, तो मैं बता देना चाहता हूँ साफ साफ, 50 गज का अगर पूरा प्लॉट लेते हैं तो ये मिल जाएगा आपको मात्र 20 लाख रुपए में। इसके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मान सम्मान भी करेंगे। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि अगर 20 की वस्तु है तो आपको 15 में मिल जाएगी, ये है कि कुछ ना कुछ आपका मान सम्मान कर देंगे जो संभव होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।